तो आज के टाइम में जहाँ भी देखिए डुअल कैमरा है, क्वाड कैमरा है, पेंटा कैमरा है, ट्रिपल कैमरा है, तो क्या हमें इतने सारे कैमरास की असल में अभी ज़रूरत है? क्या ये बहुत जल्द ही नहीं है कि मल्टीपल कैमरास का इनरोलमेंट हो रहा है सभी फ़ोन्स में धीरे धीरे? क्या हमारा सिंगल कैमरा अभी लैग कर रहा है? हमारी पिक्चर क्वालिटीज़ जो है वो हमारी सिंगल कैमरा से नहीं निकल के आ पा रही है, इसलिए हम मल्टीपल कैमरा पर स्विच कर जा रहे हैं। तो क्या रीज़न है जिससे कि हम लोग मल्टीपल कैमरा पर स्विच कर रहे हैं, और ऐसा क्यों है कि हमें मल्टीपल कैमरा को यूज़ करना पड़ रहा है, इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। तो फ्रेंड, मेरा नाम आशीष और आप देख रहे हो टेक्निका। तो वीडियो शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो अब अगर बात करें स्मार्टफोन्स की, तो स्मार्टफोन्स की मेन प्राइमरी चीज़ हो गई है अब कैमरा। मतलब कि अब फ़ोन लेना है तो उसमें एक अच्छा कैमरा भी होना चाहिए, जिससे कि हमारी अच्छी सेल्फीज आ जाए, अच्छी वीडियोस आ जाए, और अच्छे इंस्टाग्राम के लिए भी पोस्ट वगैरह उससे ही निकल जाए। तो कैमरा बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करें कैमरा की, तो कैमरा का सबसे आप बोल सकते हो तो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट जो स्टार्टिंग में आया था वो आया था नोकिया के N सीरीज़ की तरफ से। जो N8 सीरीज़ आई थी उसने पूरा कैमरा डिपार्टमेंट को हरा दिया था और पूरा हिला के रख दिया था कि कैमरा भी फ़ोन में आना जरूरी है। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे इनरोलमेंट हुए, डुअल कैमरा आया फिलहाल ही कुछ दिनों पहले, और फिर ट्रिपल कैमरा, क्वाड कैमरा, पेंटा कैमरा कैसे कैसे आ गया और कब आ गया पता भी नहीं चला। अभी ट्रिपल कैमरा बहुत ज़्यादा क्रेज़ में है। ऐसे पर नोकिया ने पेंटा कैमरा का भी एक सॉल्यूशन दे दिया है अपने नोकिया 9 में, जो कि मार्केट में अच्छा बिक रहा है और अच्छा लग भी रहा है देखने में। तो अगर बात करें कैमरा के बारे में डेप्थ में, तो कैमरा आप समझ सकते हो एक फ़ोन के लिए आँख हो सकती है उसकी। अब जितने ज़्यादा आँख होंगे उतने ज़्यादा उसे अच्छा दिखेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपके पास जितना ज़्यादा अच्छा कैमरा होगा, जितना ज़्यादा मतलब कि क्वान्टिटी में कैमरा होगा उतना ज़्यादा अच्छा आपका फ़ोन होगा। ऐसे बहुत सारे फ़ोन्स हैं इन फोकस वगैरह के, जिसमें कि आपको 24 और 25 कैमराज तक भी देखने को मिलते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल समझते हैं कि कितने सारे कैमराज, अलग अलग कैमराज का होने से क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले अगर बात कर लें पिक्चर क्वालिटी की, तो पिक्चर क्वालिटी कुछ हद तक मेंटेन हो सकती है, अच्छी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आपके पास एक पेपर है जिसे कि आप सेंसर प्लेट मान रहे हो अपना, ठीक। अब आप क्या करो कि एक पंच होल मशीन ले लो। पंच होल आप जानते हो जिसमें कि पेपर्स में जिसमें होल होते हैं सर्कल सर्कल, वो पंच होल मशीन से आप एक पंच मारो तो आप मान लो कि वो एक कैमरा है। अब आप उसे अपने कोई भी लाइट सोर्स के आगे रखो और देखो कितनी सारी लाइट उसके आर पार हो पा रही उस होल के थ्रू। अब आप वहीं पे अगर उसमें 3 या 4 या 5 होल कर दो, उसके बाद देखो लाइट ज़्यादा होएगी क्योंकि होल ज़्यादा हो गए। तो मेन काम यही है कैमराज का, ताकि आपकी जो लो लाइट कंडीशन की एबिलिटी है आपके फ़ोन की सिंगल कैमरा में उतनी अच्छी नहीं निकल पाएगी, जबकि अगर एक मल्टी कैमरा का सॉल्यूशन लिया जाए तो वहाँ पे आपका जो फोटोज़ होंगी रात में वो ज़्यादा अच्छी आएंगी। ये एक आप बोल सकते हो कि एक डिफ़ॉल्ट फीचर है सभी मल्टीपल कैमराज वाले फ़ोन का। तो अब बात ये है कि अब आपका जितना भी ढेर सारा जो मल्टीपल कैमराज यूज़ हो रहे हैं तो उसमें से एक प्राइमरी कैमरा होता है ज़्यादातर एज़ यूजुअल, और जो बाकी के सेकेंडरी कैमरा जो होते हैं उसमें से एक वाइड एंगल भी हो सकता है। वाइड एंगल आपके डिटेल्स तो बहुत अच्छा नहीं कैप्चर करेगा, हाँ, पर आपकी जो पिक्चर उसे अल्ट्रा वाइड खींचने में काम देगा। ऐसे अगर बात करें बेसिक लेंसेज की, तो उसमें मोनोक्रोमेटिक लेंस भी आते हैं और टेलीफोटो लेंस भी आता है। मोनोक्रोमेटिक लेंस जो होता है वो आपकी लो लाइट कंडीशन में और ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ को खींचने में ज़्यादा अच्छा यूज होता है, और जो टेलीफोटो लेंस है उससे आप पोर्ट्रेट वगैरह या फिर ऑप्टिकल जूम से थोड़ा बहुत करके आप अच्छी क्वालिटी में फ़ोटो निकाल सकते हो। तो मेन यही था ढेर सारे कैमराज को देने का। तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर तो कैमरा तो लगा दे रहे हैं, कैमरा डिपार्टमेंट कमी नहीं कर रहे, कंजूसी नहीं कर रहे, इसे एक एज ए पब्लिसिटी यूज़ कर रहे हैं, पर इसका जो पूरा पोटेंशियल यूज़ हो रहा है, पूरा पोटेंशियल यूज़ होना चाहिए, वो पूरा पोटेंशियल यूज़ नहीं हो रहा है, जिसके कारण कि आपको जो आपकी जो इमेजेस है उसमें क्वालिटीज़ तो नहीं आती है अच्छी। हाँ, आपको एक आर्टिफिशियल सा पोर्ट्रेट देखने को मिल जाता है जो कि सिंगल कैमरा से भी आपको ऑब्टेन करवाया जा सकता है। अगर आप बात करें ऑप्टिकल जूमिंग की, तो ढेर सारे कैमराज होने से आपके ऑप्टिकल जूमिंग होती है, जिससे कि आपकी जो फोटोज होती है वो फटती नहीं है। और अगर बात करें डायनेमिक रेंज की, अब डायनेमिक रेंज को बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊं तो एक जगह बहुत अंधेरा है और एक जगह बहुत लाइट है, जिसे सही करने के लिए हमें HDR मोड भी मिलता है अपने स्मार्टफोन में, पर वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं होता है कि जो आपके HDR को भी बिल्कुल सैचुरेट करके निकाल दे। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं मल्टीपल लेंसेज का, जिससे कि हमारी जो डायनेमिक रेंज होती है वो बहुत अच्छा काम करती है। हाँ, पर सिर्फ हार्डवेयर देने ही से कुछ नहीं होगा। वीवो ओप्पो में आपको हार्डवेयर वगैरह जो भी मिल जाए, पर सॉफ्टवेयर आप बोलो कैमरा का तो उतना अच्छा नहीं है। तो बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि मल्टीपल कैमरा से यूज़ क्या है, और शायद ये कुछ जल्दबाजी है कि हम पेंटा कैमरा पे आ जाए। डुअल कैमरा भी बहुत सूटेबल चल रहे हैं अभी के मार्केट में, और मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि आपको इस साल तक
पेंटा कैमरा नॉर्मल हो जाए, जैसे हमारे पास डुअल कैमरा भी नॉर्मल हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और नीचे कमेंट कर देना है कि आपके पास कौन सा फ़ोन है और उसमें कितने सारे कैमराज हैं। मैं भी कमेंट नीचे करने वाला हूँ, तो आप मेरा भी कमेंट नीचे देख सकते हो, मैं रिप्लाई में देने वाला हूँ टू। तो आप भी रिप्लाई करके जरूर दीजिए नीचे कमेंट में, बताइए कि आपके पास कितने सारे कैमराज आपके मतलब एक सिंगल डिवाइस में हैं। और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आ गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए हर हफ्ते इसी तरह का वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, बगल में बेल आइकन भी आएगा उसे प्रेस कर देना ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ को मिस ना करो। तो मिलता हूँ मैं आपसे अपने अगली वाली वीडियो में।